दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि दिल्ली से नेपाल हम कार के थ्रू कैसे जा सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, लास्ट तक जरूर देखें। और ये एक छोटा सा क्लिप है नेपाल के पोखरा ज़िले का, और पोखरा ज़िले में भी एक गांव है सारंगकोट, जहां से ये आपको बहुत खूबसूरत अन्नपूर्णा हिमालय की रेंज दिखती है। मुझे लगता है सबको जाना चाहिए। अरे नेपाल वहाँ पे कल तक पहुँचेंगे लुम्बिनी, जहाँ पे शाम हुई वहाँ पे रुक जाएंगे। फिर अभी हमने नाश्ता किया है, बस अभी कितने बजे, 9:08 हो रहे हैं, दिखाइए, 9:08 हो गए। तो अभी हम चल गए नाश्ता करके, ये देखिए बात। तो दोस्तों, फिर उसके बाद हम यमुना एक्सप्रेसवे से आगरा तक पहुँचे, और उसके बाद लखनऊ एक्सप्रेसवे हमने लिया लखनऊ जाने के लिए। और यहाँ पर आप देखो टाइम जोन जो है 5:45 हो गया है, जबकि इंडिया का 5:30 होता है अगर आप दिल्ली का देखेंगे तो। 300 किलोमीटर का पूरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है आगरा से लखनऊ के बीच, और 100-100 किलोमीटर पर रेस्ट एरिया आएंगे। आप हो सके तो अपना पानी वानी खाने वाने का इंतजाम पहले करके चलना, क्योंकि ये जो रेस्ट एरिया आते हैं 100 किलोमीटर पर, अगले 100 किलोमीटर पर दो आएंगे, बड़े महंगे हैं। उससे अच्छा बेटर है कि थोड़ा पहले ही लेकर चलो। दोपहर होते होते हम लखनऊ पहुंच गए, और लखनऊ में हमने लंच किया, और लखनऊ के बाद हम अयोध्या होते हुए बस्ती जाएंगे, जहाँ पर हम नाइट स्टे करेंगे, और नाइट स्टे करने के बाद अगले दिन हम लुम्बिनी जाएंगे। तो अभी हम रुक के बस यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के लिए सिद्धार्थ नगर में, बस्ती से हम जा रहे हैं नेपाल के बॉर्डर लुम्बिनी। दोस्तों, ये आप देख पा रहे हैं हार्ड सॉलिड लाइन, ये हमारे इंडिया और नेपाल को डिवाइड करती है, और हम बॉर्डर पे ठीक खड़े हैं। अब आप आगे से देख रहे हैं लुम्बिनी रोड शुरू हो रहा है नेपाल का, और आगे नेपाल बॉर्डर। वेलकम टू नेपाल। बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी 10 किलोमीटर दूर है, और भारत में आने का धन्यवाद, हम तो भारत के ही हैं। अब तो वापस में भारत में आएंगे कब तक। ये है कस्टम का ऑफिस, पहले यहाँ पर हमारे को एंट्री करानी पड़ती है, और उसके बाद फिर हम नेपाल में जाके एंटर कर सकते हैं। इससे पहले लेकिन हमारा ये चेक, आधार कार्ड वगैरह डॉक्यूमेंट वगैरह चेक होंगे, SSB वाले चेक करेंगे यहाँ पर। ऐसे ही नेपाल पोर्टल पर भी आपको एंट्री करानी पड़ेगी रजिस्टर में, और उसके बाद आप मनी एक्सचेंज बॉर्डर पर ही दुकान होती है, वहाँ से करा सकते हैं। इंडिया की तरफ भी हो सकती है दुकान, और उसके बाद आप सिम कार्ड खरीद लें, जैसे ये दिखा रखा है। सिम कार्ड खरीदने के बाद आपको आधा किलोमीटर चल के इस तरह का एक ऑफिस मिलेगा, उस ऑफिस में जाके आपको गाड़ी के डॉक्यूमेंट बनाने पड़ेंगे इस तरह के, और ये डॉक्यूमेंट आपको बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपका बहुत हेफ्टी फाइन हो सकता है अगर बिना इस डॉक्यूमेंट के आप नेपाल में गए तो। तो जितने दिन आप जाने वाले हैं उससे एक आधा दिन फालतू का ही बनवा लो, बेस्ट है। 600 रुपये पर डे के हिसाब से हमने 7 दिन का बनवाया, 4200 रुपये का हमारा ये डॉक्यूमेंट बना है, भंसार भी कहते हैं इसे नेपाल में। सो ये डॉक्यूमेंट बनवा लीजिए, बहुत ज़रूरी है, साथ ही साथ आपको इसके एक ये रसीद मिल जाएगी इस तरह की, ये रसीद है 4200 रुपये की। और उसके बाद फिर हम नेपाल में घुस गए फ्रीली। ये हमारी सारी फॉर्मेलिटीज़ थी नेपाल में पहुंचने के लिए, और आप इसके बाद अब 6 दिन 7 दिन तक जितने दिन का आपने परमिट बनाया उतने दिन आराम से नेपाल में घूमिए, और वापस जाते समय अपना जितनी मनी फालतू है वो वापस से आप बॉर्डर पे एक्सचेंज करा सकते हैं। थैंक यू।